तीन ओवर बचे और ड्रॉप्ड। एक लड्डू कैच, एक आसान कैच जो अगर दोनों फील्डर्स के बीच में कंफ्यूजन ना होता तो मुंबई के लिए नंबर 9 और 9 एक साथ नजर आ रहा होता अभी। बिल्कुल, कहते हैं कैचेस विन मैचेस, और अगर आप ऐसे कैचेस आप इस स्थिति में छोड़ेंगे फिर आपकी टीम के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। काफी समय था, नीचे भी आए, हाथ भी लगा और ऐसा लगा शायद अंत में गेंद खो गई, थोड़ा गेंद स्वर्ल कर ली थी तो सही तरह से नीचे नहीं आ पाए। और खेमा देखिए उनकी प्रतिक्रिया, जानते हैं ये जो कैच है महंगा साबित हो सकता है। काफी भावुक खेमा है अजय, और बंगाल की टीम को देख के लग रहा है शॉट। और मुझे लगा शायद एक और यहां पे मौका छोड़ा है। ऐसे मौके और खासकर आलूवालिया के आप कैचेस छोड़ेंगे फिर कठिनाइयां बढ़ेंगी। और रन आते हुए ये बड़ी चीज है मुंबई हीरोज के लिए। आलूवालिया स्ट्रोक के साथ पहुंचे 42 पे, 20 गेंदों का सामना किया है। और ये देखिए पूरी हालांकि ताकत झोंक दी थी पर सीधा फील्डर के हाथ में गई, लॉन्ग ऑफ पे गेंद गई, एक मौका था हाथ से लगी छटकती हुई और फिर सीमा रेखा के बाहर। बिल्कुल, ये ऐसा शॉट था अजय जो कैच हो सकता था, पर बहरहाल इनसाइड एज और बाउंड्री की तरफ गेंद भागती हुई पर फील्डर उसको रोकने में कामयाब। बिग ब्रदर फाउंडेशन की बात करें जो एक बहुत बेहतरीन पहल है सचिन जोशी की, उनका इनिशिएटिव और उनको सैल्यूट करना चाहिए जो कि योगदान दे रहा है, रिस्टोर कर रहा है कई लोगों की जिंदगी, महिलाओं की जिंदगी जो कि पीड़ित है एसिड अटैक से। और ऑपरेशन रिस्टोर 100 एक बहुत ही बेहतरीन पहल जो बिग ब्रदर फाउंडेशन कर रहा है और सचिन जोशी द्वारा। और शब्बीर आहलूवालिया को देख के अजय ये कहना पड़ेगा बेहतरीन शॉट मिड ऑफ की तरफ, और इस बार कोई गलती नहीं की, इस बार कोई गलती नहीं की और ऐसा लग रहा है यहां पे वापस जाना होगा आलूवालिया को। ये देखिए खेमा, यहां पे सेलिब्रेशन बाहर भी होती हुई अंदर भी होती हुई क्योंकि आलूवालिया जो डेंजर मैन है अंत में लपके गए पकड़े गए और ये बेहतरीन पारी की समाप्त होती हुई। अर्धशतक बनाने में चूक गए आलूवालिया पर फिर भी एक बेहतरीन पारी खेली, मुंबई की लाज बचाई और एक डिसअपॉइंटिंग स्कोर से निपटने से बचाया। और ये देखिए मोहन की प्रतिक्रिया, जो गेंदबाज है कितने उत्तेजित वहां पे, जानते हैं इस विकेट का महत्व, ये थी बड़ी विकेट और ये निर्णायक विकेट थी। और पूरे खेमा जो स्टार्स है सेलिब्रेट करते हुए, निराशा मुंबई हीरोज के कैंप में, आलूवालिया आउट हुए, एक बेहतरीन पारी खेली और शतक नहीं लगा पाए और अब 9 विकेट गिरते हुए 127 के स्कोर पे। मुंबई हीरोज को 50 रन की आवश्यकता पर सिर्फ एक ही विकेट बचा है जिसके गिरते ही उनकी उम्मीदें और ये दूसरा मुकाबला थम जाएगा। और बंगाल की टीम को देख के अजय मुझे एक शेर याद आता है कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। पर जैसे आपने कहा जी हाँ, कठिनाइयां नजर आती हुई मुंबई हीरोज के खेमे में, 9 विकेट गिर चुके हैं, विकेट शेष नहीं है। और मुझे लगा जो तीसरा ओवर था वो बहुत निर्णायक था, जहां पे वेग ने 3 विकेट लिए, दबाव डाला और वहां से लगातार मुश्किलें बढ़ती गई मुंबई हीरोज के लिए। वरुण बडोला भी बने हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं अंत तक संघर्ष करते हुए। बॉबी देओल क्रीज पर आए हैं और पहली इनिंग्स में थोड़े अनईजी नजर आ रहे थे एक हैमस्ट्रिंग पुल के बाद, और ये ये मौका था मैच जीतने का पर कैच छोड़ दिया। वरुण बडोला इस बार बड़े शॉट लिए गए, नीचे भी आए फील्डर पर लपक नहीं पाए और शायद लोग जो है बहुत खुश हुए क्योंकि अब बॉबी डोयल स्ट्राइक पे आए हैं। दम तोड़ती हुई मुंबई की इनिंग्स और बॉबी देओल, जैसे हम बात कर रहे थे कि पहली इनिंग्स में
130 रन और 9 विकेट 18 मिला था पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे, वही स्ट्राइक पे है, 47 रन 12 गेंदों में, बहुत कठिन। हालांकि प्रयास करते हुए यहां पे वरुण एक बड़ा शॉट खेला है और एक बेहतरीन प्रहार भी और मैक्सिमम 6 रन। और अजय ऐसा लगता है कि अगर शब्बीर अहलूवालिया को अपनी ऑर्डर भेजा होता तो अभी मुंबई इस कठिन स्थिति में नहीं होती। मुझे लगता है कि जो भी खिलाड़ी जो भी प्लेयर इस सिचुएशन में आकर भी छक्के चौकों में डील कर सकता है, उसकी स्थिति उसकी पोजीशन मध्य क्रम में होती है। और एक बार फिर इस बार ऑफ साइड पे खिलाड़ी पे तैनात और वापस आना चाहते थे अब दूसरे रन के लिए वरुण मडोला, जानते थे अगर स्ट्राइक पे रहेंगे तो बेहतर रहेगा टीम के लिए, टीम के हित में रहेगा। बॉबी डोयल अब स्ट्राइक पे आते हुए पहली बार, अभी तक कोई गेंद का सामना नहीं किया है और जैसे हम कह रहे थे एक रनर के साथ उतरे हैं। अजी अगर आपको एक एक्टर का किरदार निभाना पड़े तो आप किस तरह का रोल करना पसंद करेंगे, एक क्रिकेटर का? विवेक विनीत अगर मिल जाए तो मुझे लगता है उससे बेहतर चीज कोई नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने क्रिकेट खेली हुई है, वही रोल है। पर मैं जैसे कह रहा था जो दाद देनी होगी इन स्टार्स की, जैसे अपने आप को क्रिकेट में ढाल लिया है, जो स्तर है लगातार सीसीएल का, ये छठा सीजन है, जैसे मुकाम पे आ चुके हैं, जैसे प्रदर्शन कर रहे हैं। अजय सितारों में और क्रिकेटर्स में एक चीज कॉमन है, वो है उनका फिटनेस, उनका अनुशासन और उनका लव फॉर द गेम। सलमान खान सुपरस्टार गेम को ऑब्जर्व करते हुए और नर्वस है ये खेमा, क्योंकि सबको मालूम है मुंबई एक बहुत ही मुश्किल स्थिति तक पहुंच चुका है और कुछ छोटी मोटी गलतियां भी हुई मुंबई से जो अगले मैच में वो जरूर सुधार सकती हैं। क्या अंतक बने हुए हैं सलमान खान, अंतक बने हुए हैं, पर ये भी कुछ मजा लेने के लिए आए हैं, इनकी भी एक्साइटमेंट लग रहा है बढ़ रही है। एक स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिला और इस माहौल का लुत्फ सभी उठा रहे हैं, तो ये क्यों नहीं यार, मुंबई हीरोज ही चाहेगी एक्स्ट्रा फील्डर मैदान में आ जाए, एक्स्ट्रा फील्डर अगर आता है तो फिर मुश्किल बढ़ेगी उनके लिए, क्योंकि वैसे ही आस्की ग्रेड काफी है। अजय ये क्रिकेट की लोकप्रियता है जो हर प्राणी के जीव जंतु को इस मैदान तक खींच के ला रही है। बिल्कुल, और अगर आप देखें बॉबी ने अपना खाता खोला 138 में, 9 चाहिए मुंबई हीरोज को, सिर्फ 6 गेंदे बची हैं। बॉबी देओल की एक मूवी याद है मुझे सोल्जर, आज भी उनको इस इनिंग्स को सोल्जर ऑन करना होगा और किसी ना किसी तरह लाज बचानी होगी अपनी टीम की। देखिए मुझे लगता है कि बिल्कुल साफ है इस मुकाबले का नतीजा अब स्पष्ट नजर आ रहा है, अगर वाइड नहीं होती, एक्स्ट्राज नहीं होते, नो बॉल नहीं होती तो बिल्कुल स्पष्ट है, और सलमान खान भी यही जानते हैं। पर अच्छी चीज अभी बने हुए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं अपनी टीम को, निराश जरूर होंगे। अच्छा टेबल को टॉप कर रही है मुंबई अभी, पर इस मुकाबले के बाद जो फेरबदल होने वाला है पॉइंट्स टेबल में वो देखना दिलचस्प रहेगा, और मुंबई इन गलतियों से जरूर क्यू लेगी और कोशिश करेगी कि अपने अगले मुकाबले में जो भी उन्होंने चेंजेस जो भी उन्होंने गलतियां की हैं उनको दोहराना नहीं चाहिए। बिल्कुल, और अच्छी टीम वही होती है कैसे आप वापस आते हैं, क्योंकि पहला जो मुकाबला जीता मुंबई हीरोज ने एक बड़े अंतर से जीता, उनका जो नेट रन रेट है उसमें काफी इजाफा हुआ, उसमें काफी बढ़ोतरी हुई, आज कुछ गलतियां की हैं, बैटिंग अगर आप देखें टॉप ऑर्डर निराश किया है, पर बंगाल टाइगर्स की दाद देनी होगी और ये जो खेमा है बहुत खुश होगा जिस प्रकार प्रदर्शन रहा, साइड स्क्रीन के सामने थोड़ी सी मूवमेंट और वो जो लाइट है वो देख रहे हैं वो ऑन थी, पर अब सब कुछ सही होता हुआ। अजय हिंदी मूवीज में अक्सर देखने को मिलता है कि एक प्रोटैगनिस्ट एक हीरो शेर से जूझता है, आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, पर जीत आज शेर की हुई। क्या बिल्कुल, और जैसे मैंने कहा बंगाल टाइगर्स ने जैसे सोच जीशु की टॉस जीता, पहले बैटिंग करी, स्कोर लगाया बोर्ड पे, बल्लेबाजी में जॉय अब निखर के आए, उन्होंने बेहतरीन पारी खेली, मध्य क्रम लय में नजर आया, और सबसे बड़ी बात है जो उन्होंने विकेट्स लिए, नई गेंद से जैसे प्रयोग किया, दबाव में डाला, विवेक की सराहना करनी होगी। और अजय वाइड गेंद है, तेज रफ्तार से जाती है, स्विंग करने में इतनी सक्षम इतनी सक्सेसफुल नहीं होती है, पर फिर भी गेंद की जो स्पीड है जो गति है जो पैनापन है इनिंग्स का उसमें इजाफा जरूर पैदा करती है, और जो रोमांच है क्रिकेट का T20 क्रिकेट का उसको बरकरार रखने में बहुत ही सक्सेसफुल रहती है।
बिल्कुल। और वरुण मडोला भी देखिए प्रयास करते हुए, जानते हैं कि अब स्थिति उनके हाथ से निकल चुकी है, उनकी टीम के हाथ से निकल चुकी है, और ये अच्छी जीत है। अगर T20 में आप 37-35 रन जीतते हैं तो एक बड़े अंतर से आप जीतते हैं। अजय, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, एक हार में भी कहीं ना कहीं कोई आशीर्वाद छुपा होता है, और ये तैयार है बिल्कुल अंदर आने के लिए। अब एक गेंद शेष है और देखिए बिल्कुल तैयार है और कितने खुश है। बंगाल टाइगर्स ने एक बड़ा मुकाबला जीता है, और टाइगर्स के किसी भी समर्थक को मैंने अभी तक बैठे हुए नहीं देखा है। जब से इनिंग शुरू हुई है ये अपने फीट पर ही है। अंत में जरूर अब चौका लगाया, पर ये जीत मिलती हुई बंगाल टाइगर्स को 32 रन से मुकाबला जीता है